हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर ऑल द गर्ल्स इन फैक्ट बॉयज भी जिन जिन को खाने से यानी कि फुचका से प्यार है येस yes, आज के फुल व्लॉग में मैं फुचका के डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज शेयर करने वाली हूँ प्लस ट्राई करने वाली हूँ क्यूंकि आज मैं जा रही हूँ वह फुचका में जो की कोलकाता में न्यूली ही खुला हुआ है इसके अभी दो ही ब्रांचेज है एक आपको कस्बा में और एक लेक टाउन में दो आपको मिल जाएंगे मैं कस्बा के ब्रांच में जाने वाली हूँ और जाके मैं आपको वहाँ पे दिखाती हूँ की वहाँ के कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट वेरायटी फुचका मिलते हैं प्लस क्या रेट है प्लस क्या टेस्ट है सारे इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूं, फुल ट्राई करके तो चलिए चलते हैं ब्लॉग पे एंड हाँ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज जिन-जिन को फुचका पसंद है ऑफकोर्स सबको ही पसंद होगा तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करना ना भूले लाइक तो कम से कम देख के जाए तो so फर्स्ट मैं आपको कस्बा वाले ब्रांच की लोकेशन बता देती हूँ जस्ट ये ऑपोजिट जो एक्रोपॉलिश मॉल का पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के बाद, बाद मिस्टे मुक है मिस्टे मुक से ही आपको गली के अंदर आना है जस्ट पाँच मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है अब बस हम लोग यहाँ पे आ गए हैं वाह फचका में यहाँ पर लिखा है ब्रेक ईट एंड स्माइल यस आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए फुचका खाइए और स्माइल करिए ये बहुत ही अच्छा मतलब स्मॉल uh, सा है कोजी सा है बट आपके ऑल फ्लेवर्स यहाँ पे ऑल डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आपको फुचका मिलने वाले हैं आपको छोटा लगेगा लेकिन यहाँ पे आप आराम से अच्छे से बैठ के इन्जॉय करके खा सकती हैं प्लस फुचका के रेट भी बहुत ही अफोर्डेबल है मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रेट नहीं है तो मैंने चार पाँच मतलब लगभग पाँच डिफरेंट ट्राई किए हैं फुचका फ्लेवर तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये है कोलकाता का फेमस झूड़ी फुचका मतलब जो कोलकाता में झूड़ी मिलता है वो झूड़ी से ये फुचका बनाया हुआ है तो उसका है देखिए पहले उन्होंने आलू का स्टफ डाला है फिर कुछ मिस्टी डाला है मतलब शायद फिर उसके बाद ये झूड़ी है यही झूड़ी है कोलकाता का फिर धनिया पत्ता मिर्ची भी था लेकर मैंने मिर्ची मना किया था कि नहीं मैं एक्चुअली तीखा नहीं खाती हूँ प्लस नारियल बादाम और भी बहुत कुछ थे इसके ऊपर तो ये इसका टेस्ट काफ़ी इंडियन मतलब हमारे टाइप का लग रहा था हम लोग जो नमकीन फुचका पसंद करते हैं उस टाइप का तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनफैक्ट ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा ये इसका लुक भी अच्छा लग रहा है नहीं अब तो चलिए मैं आपको इसको ट्राई करके दिखाती हूँ आपका अपना रिएक्शन दिखाती हूँ रिएक्शन क्या ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि इसके टेस्ट थे मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब नोन थी तो मुझे अच्छा ही लगा जो मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करने गई थी जो मैंने नहीं ट्राई किया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी तो नेक्स्ट ये है हरियाली फुचका मतलब इसमें ग्रीन स्टफ़ इसमें पहले उन्होंने आलू का स्टफ़ ही डाला था उसके बाद उन्होंने ग्रीन चटनी डाला था ग्रीन चटनी में आते हैं पुदीना और मिर्ची वर्ची का पेस्ट ये देखिए जैसे ये यही है मेन हरियाली यही हरियाली फुचका का फ्लेवर है तो ये भी काफ़ी अच्छा था ये भी इंडियन हमारे जैसा था मतलब हमारा जो टेस्ट है मतलब हम लोग जो फुचका को मोस्टली नमकीन ही पसंद करते हैं तो वो हमारे टेस्ट लाइक था ये तो ये भी अच्छा लगा मैंने एक्चुअली अपने हस्बैंड का भी रिएक्शन ये किया है बट मेरे हस्बैंड को ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करना पसंद नहीं पड़ता है लेकिन मैंने खिलाया कि मतलब नहीं ये तो उनके टाइप का है तो चलो उनका रिएक्शन मतलब हाँ ये है तो मतलब उनको बहुत ही अच्छा लगा ये रिएक्शन था तो उनको मतलब बहुत ही अच्छा लगा इनको उनको, उनको यही फ्लेवर हरियाली फुचका ज़्यादा पसंद आया था मुझे भी अच्छा लगा मुझे भी ये पसंद आया इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा था मतलब थोड़ा स्पाइसी थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा मतलब मिक्स फ्लेवर था लेकिन अच्छा था एंड नेक्स्ट हमारा थर्ड फ्लेवर है चीज़ कॉर्न फुचका मतलब जो जो लोग नॉर्मल फुचका खाते हैं उनको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा अच्छा अच्छा इतने इतने वेराइटीज़ के भी फुचके होते हैं आई थिंक मैंने तो सिर्फ मात्र पाँच वेरायटी ही ट्राई किया था और मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे और भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं तो मैं वेज थी तो मोस्टली मैंने वेज का ही दिखाया है नॉन वेज में भी चिकन या वो मतलब बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ फुचका थे इन्होंने चीज़ को मतलब कॉर्न को सॉरी उन्होंने कुछ में सोटे वोटे करके उन्होंने ऊपर से चीज़ डाला है फ्लेवर बहुत अच्छा था ऊपर ऊपर से उन्होंने कुछ ऑरिगेनो ये सब का स्टफ डाला था मतलब मुझे तो काफ़ी पसंद आया मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करना तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कॉर्न भी बहुत अच्छे से बॉयल था मतलब अच्छा था मेरे हस्बैंड स्माइल करके देख रहे हैं <laughs> उनको उतना अच्छा नहीं है। उनको मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर फुच करके ट्राई करना नहीं मतलब वही डिप्लोमेट्रिक उनको खट्टा इमली वाला पानी वाला ही फुचका चाहिए तो उनको थोड़ा सा लग रहा था बट मैं यहाँ टेस्ट फील कर रही थी कि कैसा टेस्ट है फिर लास्ट में मुझे जो कॉर्न और चीज़ मेल्ट का फ्लेवर लगा तो मुझे फिर उसके बाद फिर मुझे अच्छा लगने लग गया लास्ट में जो मुझे मिला एक्चुअली ये लोग पूरा फिल करके देते हैं ना तो फ्लेवर लास्ट में आता है तो फिर उसके बाद मुझे फिर अच्छा लग तो अब आते हैं इस वीडियो के मेन फेस पे यानी कि चॉकलेट फचका पे आप देख लो ये कितना देखने में ही कितना टेम्पटिंग कितना यम्मी कितना लग रहा है कि ओ मई गॉड और ये लोग ऊपर से ये लोग कितना चॉकलेट का स्टफ डाल रहे हैं मतलब फिल कर कर के डाल रहे थे मतलब मैंने मैं आपको खाने के बाद मैं अपना फील बताऊंगी मेरे मुंह में ही जम गया वो <laughs> मैं फिर मुंह अपना चला ही नहीं पा रही थी मैं मतलब देखने में इतना अच्छा लग रहा था ऊपर से और चॉकलेट डाल रहे हैं मतलब कितना चॉकलेट वो मतलब ये दो फुचका खा के तो मेरा लग रहा था कि वेट तो पता नहीं कहाँ जाएगा फिर भी मैं ट्राई करने से ये नहीं हुई कि नहीं नहीं मुझे ट्राई तो करना है भाई फिर पहले तो मैंने बड़ा वाला लिया देखती हूँ खा के लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार ये मेरे मुंह में नहीं जाएगा फिर मैं सोची कि नहीं नहीं छोड़ दो छोटा वाला ही लेने में भलाई है नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा तो फिर मैंने छोटा वाला ले कर खाया फिर फाइनली ये मेरे मुँह में चला गया मतलब चॉकलेट तो पूरा नीचे हाथ में ऐसे आ रहा था लेकिन मतलब फर्स्ट टाइम मैंने चॉकलेट फुचका ट्राई किया था तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था मुझे काफ़ी मतलब टेस्टी भी लग रहा था तो अब आ जाते हैं सो स्टॉपर फ्लेवर पे यानी कि पान फुचका फ्लेवर ये काफ़ी न्यू फ्लेवर है मतलब ये नहीं मिलता है सब जगह उनका ये सिग्नेचर मतलब फुचका है और जो कि बहुत ही मतलब मैं तो बता नहीं सकती मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप देख लो ये जो ग्लास में नीचे जो ये ग्रीन देख रहे हो ये आप ये पूरा पान का फ्लेवर है मतलब काफ़ी अच्छा है काफ़ी मतलब उन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच के नया डिज़ाइन किया है ये फुचका तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये इसको खाना भी मतलब जैसे कि वाह जैसे हाँ कुछ खा रहे हैं देख लो कितना यम्मी लग रहा है कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में इसके अंदर के जो शॉट हैं वो शॉट को डाल के ये पूरा पान का फ्लेवर है इतना मतलब मेरा मतलब मुंह पूरा ठंडा ठंडा हो गया एकदम इस फ्लेवर को ट्राई करके तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच वाह का मुझे बुलाने के लिए और अपने अपने डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई करवाने के लिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मेरा फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा फ्लेवर्स बहुत ही अम्मी है रेट भी बहुत अफोर्ड